खबर रीवा से है, जहां मानस भवन में शिक्षक संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला रहे। शिक्षकों ने राजेंद्र शुक्ला से संविलियन की मांग करते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत छोटा सा काम है, अगर शिक्षकों का संविलियन कर दिया जाता है तो वह जीवन भर आभारी रहेंगे। आइए दिखाते हैं पूरे कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं शिक्षक संघ ने पदाधिकारी और राजेंद्र शुक्ला को क्या कहा है। आदरणीय सचिव मिश्रा जी, रघुवंश तिवारी जी, सबके बैच लगाएंगे और क्रमशः आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश दुबे जी, हमारे संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष। अधिकारी अत्यंत संवेदनशील, लेकिन वो 10/8/2018 को जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आया है, उस आदेश के इतर जो 1998 जिसका किसी ने कुछ नहीं कहा, उस भर्ती प्रक्रिया को कहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया दूषित है। माननीय, अगर कोई किसी पद पर हो जाता है, मैं कोई वरिष्ठ अधिकारी हो जाता है, तो जब तक उसकी कोई शिकायत, सेवा में समर्पित करता हूं और आदरणीय द्वारा का मैं स्वागत करूंगा कि मंच पे आए, और मैं ये इनकी तरफ से वादा लेता हूं कि तारा है सारा जमाना ना फिर। इनका सम्मेलन अगर आप चाहेंगे तो दूसरे दिन हो जाएगा, किसी में वो दम नहीं कि आपकी बातों का। मैं उस दिन आपने सीओ साहब, डीओ साहब को बुला करके जिस तरह से निर्देश दिए, मुझे गर्व हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि आप इनका उद्धार करेंगे। अगर इनका उद्धार नहीं कर रहे तो मेरा निवेदन है, आप मामले में मुख्यमंत्री जी से बोले या जहां भी बोलना पड़े, इन 1500 लोगों का उद्धार कराएं, आपके विधानसभा के से भी 70 लोग। मेरा निवेदन है कि इतना छोटा सा काम आप कर रहे हैं, मानिए ये जीवन आपका है, ये जीवन इन अध्यापकों का है। ये अध्यापक उन स्कूलों को पढ़ाते हैं जहां टाट नहीं थी, पट्टी नहीं थी, हम बिना पंखे के बिना लाइट के स्कूलों में संचालन करते हैं, जहां अति न्यून, अति गरीब, अति मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। मैं निगम रीवा के अध्यक्ष सम्माननीय पांडे जी, मेरे संगठन के जिलाध्यक्ष भाई चंदू, 12 साल 2006 के आधार पर 12 साल में क्रमोन्नति मिलनी चाहिए। यदि ये नियम है और नहीं हुआ है तो बातचीत करने से पता चलेगा कि वो को नहीं करना है। तो सारे बिंदु जो आपके 7-8 बिंदु हैं उन पर शिक्षक बनाने के अलावा बाकी शासन स्तर पर किससे बात करनी है, ये बात मैं करूँगा, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो यदि आपका मन प्रसन्न रहेगा तो शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, और शिक्षा की व्यवस्था यदि हमने नहीं सुधारा और विकास के इमारतें खड़ी कर दी और विकास के पत्थर खड़े कर दिए, तो इस विकास को संभालने वाले जो पीढ़ी है, यदि वो शिक्षित नहीं हुई, समझदार नहीं हुई, तो ये विकास काफी भी मिल जाए आप लोगों को। बहुत से लोग अध्यापक से शिक्षक हो गए हैं, उनके आवेदन की काफी की तरह यदि आपके भी आवेदन की काफी मिल जाएगी तो भी आपका काम करना आसान हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने मुझे बताया। और मैंने कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक भी बुलाई थी, आपके पदाधिकारियों को भी बुलाया था, और मैंने गहराई से पता करने की कोशिश की थी कि आखिर हम मंच पर विराजमान हमारे नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, उनका नाम लेना रह गया,